वीडियो शुरू होने से पहले सब्सक्राइब का बटन दबा देना ताकि आप लोग हर वीडियो की नोटिफिकेशन पा पाए। शुक्रिया। यदि आप इलेक्ट्रीशियन के जॉब के इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम कुछ बेसिक्स इलेक्ट्रीशियन के इंटरव्यू पूछे जाने वाले क्वेश्चन कवर करेंगे। ये क्वेश्चन आपके जॉब के पर्पस से बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से एक नया क्वेश्चन तो आपके इंटरव्यू में जरूर पूछा जाएगा, तो वीडियो को एंड तक देखिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आपका ज्यादा समय न लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि मोटर स्टार्टर कितने टाइप के होते हैं। तो मोटर स्टार्टर वो चार टाइप के होते हैं। पहला है ड्यूल स्टार्टर, सेकेंड है स्टार डेल्टा स्टार्टर, थर्ड है ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर एंड फोर्थ है इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्ट स्टार्टर। इस वीडियो में हम बस इनके नाम ही कवर करेंगे। ये इनको पूरी वर्किंग के बारे में जानना चाहते हुए तो आप YouTube पर सर्च कर सकते हैं, नहीं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपकी भी वर्किंग के बारे में बता दूंगा। सेकंड क्वेश्चन है कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर कैसे चेक करते हैं। तो थ्री फेज इंडक्शन मोटर को चेक करने के तीन मेथड हैं। पहला है रेसिस्टेंस मेथड, दूसरा है कॉन्टिन्यूटी मेथड एंड तीसरा है मैगल टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि MCB क्या है। तो MCB की फुल फॉर्म क्या होती है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ये एक सर्किट ब्रेकर है जो कि शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन और ओवरलोड प्रोटेक्शन प्रदान करता है। RCCB क्या है, आपने बताना है कि RCCB क्या होती है। तो इसका आंसर आप दे सकते हैं कि यह एक करंट सेंसिंग उपकरण है जो कनेक्टेड सर्किट में अर्थ फॉल्ट होने पर सर्किट को डिसकनेक्ट कर देता है। मैं इस वीडियो में बिल्कुल सिंपल सी लैंग्वेज में कवर कर रहा हूँ आपके इंटरव्यू क्वेश्चन। आप देख सकते हैं लैंग्वेज कितनी सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट पर आग लगने के कुछ कारण बताइए। तो इसके कुछ कारण बता सकते हैं कि आप पहला कारण हो सकता है शॉर्ट सर्किट, दूसरा होता है फॉल्टी अप्लायंसेस, थर्ड है ओवरलोड या फिर ओवरहीटिंग, फोर्थ है लूज कनेक्शन ढीले कनेक्शन, वो भी इसका कारण हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक मोटर क्या है। तो आपने बताना है कि इलेक्ट्रिक मोटर क्या होती है। तो सिंपल सी लैंग्वेज में आप इसका आंसर दे सकते हैं कि इलेक्ट्रिक मोटर एक इलेक्ट्रिकल मशीन है जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज कर देती है।